नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में स्वागत है एक नए रेसिपी के साथ। आज हम भिंडी का भरवा बनाएंगे। इसके लिए हम 250 ग्राम भिंडी लिए हैं, उसको अच्छी तरह से धोकर तो उसको सुखा लिए हैं। और देखिए, भिंडी को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कटिंग कर दिए हैं और चाकू की सहायता से बीच से इस तरह से चीरा लगा लेना है। ये सभी भिंडी को हम कट कर लिए। अब इस मसाले के लिए देखिए, हम 1 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा व गोलकी पाउडर, 1 टमाटर, 1 मीडियम साइज का प्याज, 4-5 हरी मिर्च और 1 पोट लहसुन लिए हैं। और सभी को हम एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए, सभी मसाले को हम पीस कर रख लिए। अब हम कढ़ाही गरम करेंगे। देखिए, कढ़ाही गरम हो रहा है और इसमें हम तेल डालेंगे। मसाले को भूनने के लिए इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और मसाले को हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं और उसके बाद इसमें हम मसाले को डाल देंगे। फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसको हम भूजेंगे। हाफ चम्मच नमक भी डाल दे रहे हैं। नमक अपने स्वाद के अनुसार और मसाले का मात्रा के अनुसार आप इसमें नमक डालिएगा। और इसको 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर हम भूजेंगे मसाले को। तब उसे जब तक भूजेंगे तब तक कि इससे इसका कच्चापन ना चला जाए। ये 3 से 4 मिनट हो गया। देखिए, मसाला भून चुका है। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो गया है, इसको हम भिंडी में फिल करेंगे। इसमें पहले हम नमक लगा लेंगे थोड़ा सा और इसमें हम फिल करेंगे मसाला को। इसी तरह से हम सारे भिंडी को फिल कर लेंगे। सारे भिंडी में हम मसाला फिलिंग कर लिए हैं। अब हम कढ़ाही गरम कर रहे हैं। देखिए, कढ़ाही गरम हो रहा है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। कढ़ाही गरम हो गया, इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिए। इसको हम गरम होने देंगे। अब इसमें हम एक एक करके भिंडी को हम डाल देंगे। एक बार में सारे भिंडी को नहीं डालेंगे तो फिर इसको पलटी करने में दिक्कत होगा। भिंडी को इतना डाल दिए हैं और इसको हम लो फ्लेम पर ढक्कन लगा कर फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसको हम पलटी भी करेंगे। ये एक तरफ से पक चुका है, इसको हम सीख की सहायता से अब हम ऐसे पलटी कर देंगे और इसको भी हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हम को पकने देंगे। इसकी सहायता से इसको हम पलटी कर दिए हैं और 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। देखिए, फ्राई हो चुका है भिंडी। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम और बचे हुए भिंडी को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैं इसे सर्व कर दिखा रही हूँ। देखिए, कितना सुंदर भिंडी का भरवा दिख रहा है। आप भी दोस्तों मेरे तरीके से बनाइए और खा कर देखिए। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।